45 வயதுக்கு மேற்பட்ட முஸ்லிம் பெண்கள் ஆண் துணையின்றி ஹஜ் யாத்திரை செல்ல 2018 மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியது. ஆனால் குறைந்தபட்சம் 4 பெண்கள் சேர்ந்து ஒரு குழுவாக சென்றால் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர். இத்திட்டத்தின் கீழ் இந்த ஆண்டு ஹஜ் யாத்திரை செல்ல 4000 பெண்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர். வட இந்தியாவைச் சேர்ந்த 200 பெண்கள் டெல்லி சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து ஹஜ் யாத்திரை புறப்பட்டனர். அவர்களை மத்திய அமைச்சர் மீனாட்சி லேகி, டெல்லி ஹஜ் கமிட்டி தலைவர் கௌசர் ஜஹான் வாழ்த்தி வழி அனுப்பி வைத்தனர். பெண்ணுரிமை விஷயத்தில் மோடி அரசின் மிகப்பெரிய சாதனை இது என மீனாட்சி லேகி கௌசர் ஜஹான் கூறினர். யாத்திரை செல்லும் பெண்களுடன் இருவரும் உரையாடினர். அப்போது மோடி சிறந்த முறையில் ஆட்சி செய்வதாக முஸ்லிம் பெண்கள் கூறினர்.39 महिलाएं हैं जो दिल्ली से, और कई हमें पहचान वाली महिलाएं भी मिली, कोई कोटला से, कोई हौजरानी से जो हमारे क्षेत्र की हैं, कोई वकील भी मिली, कोई टीचर मिली जो अपने स्टूडेंट के साथ क्वींस मैरी में टीचर हैं, वो भी मिली. तो उस मुलाकात में जो सबके खुशी थी वो देखने लायक थी. लेकिन 200 महिलाएं हैं जो कि नॉर्थ इंडिया से जा रही हैं, और टोटल 4000 औरतें जो हैं इस बार बिना महरम के जा रही हैं हिंदुस्तान से. तो आज जो है 200 महिलाओं की फ़्लाइट है जो नई दिल्ली से रवाना हुई, और इस खुशी के मौके पर सबको बधाई और शुक्रिया. ये बहुत खुशी की बात है, और ये जो है मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि इस बार जो है जो महिलाएं बिना महरम के जा रही हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है पहले से. पूरे भारत से ऐसी 4000 महिलाएं जा रही हैं, और जहाँ तक मैं दिल्ली की बात करूँ तो ऐसी 39 महिलाएं केवल दिल्ली से जा रही हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है. पिछले वर्षों से ये संख्या बहुत ज़्यादा है, और ये जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है. और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करूंगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा महिलाओं को सशक्त करने की बात करी है और उनको हर तरह की सुविधा मुहैया करवाने में पूरा समर्थन दिया है.